स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। देखिए, स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म को पढ़ रहे थे हम, उसे दो क्लास के अंदर क्लासिफाई किया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जिसमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो हम पढ़ चुके हैं, आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल जो वर्ड है ये रिलेटेड होता है लाइट से। किस चीज़ से रिलेटेड है ये? लाइट से। और आइसोमेरिज्म का मतलब आपको पता है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन उसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए स्पेस के अंदर। तो लाइट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है आइसोमेरिज्म के अंदर कि हम इसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं? तो देखिए, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है ये दो तरीके का होता है। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो लाइट की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो रहा है तो ये दो तरीके के होते हैं, डेक्स्ट्रो और लिवो। ठीक है, डेक्स्ट्रो और लिवो। डेक्स्ट्रो को रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस साइन से, ठीक है, या फिर डी सिंबल से। इनमें से किसी भी चीज से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल डी यूज करना पड़ेगा। लिवो को रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस साइन से या फिर स्मॉल एल सिंबल से। अब ये डेक्स्ट्रो और लिवो एक्चुअल में है क्या? डेक्स्ट्रो और लिवो जो है ये रोटेटरी कंपाउंड होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर हमने कोई लाइट सोर्स रख दिया, ठीक है, इसमें से लाइट नहीं निकलेगी, पास आउट होगी। जो ऑर्डिनरी लाइट है उसकी लाइट हर एक प्लेन के अंदर प्रेजेंट रहती है। सबसे पहले हमें इसे मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक स्लिट लगा दी ताकि एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन के अंदर जो लाइट बीम है वो इसमें से पास आउट हो सके। जैसे ही इसमें से पास आउट हो जाएगी, ठीक है, इसके बाद जो लाइट है वो प्लेन पोलराइज हो जाएगी, इस तरीके से एक प्लेन के अंदर प्रेजेंट रहेगी। यहाँ पर जो लाइट थी, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट है तो रैंडम डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट रहेगा। इसमें से जो लाइट निकलेगी उनकी भी डायरेक्शन कैसी रहेगी? रैंडम रहेगी, हर डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट रहेगी। यहाँ पर हमने स्लिट लगा दी ताकि हमें लाइट कैसी मिले, मोनोक्रोमेटिक लाइट मिल सके। मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होती है जो सिर्फ एक प्लेन के अंदर ही मूव करती है, सेम डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट रहती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके बाद अपना सैंपल रख देंगे, ठीक है, जो पॉलीमीटर होता है उसके अंदर भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप अपना सैंपल फिल करके रख देंगे जिस भी कंपाउंड की हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी है। जैसे ही ये प्लेन पोलराइज लाइट इसमें से पास आउट होगी सैंपल में से, ओके, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक ऑप्टिकल जो रोटेटर होता है वो रखा हुआ होता है। ये क्या काम करेगा, इसमें एक निडल शेप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये या तो इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा या फिर इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस तरीके से एक वॉच टाइप स्ट्रक्चर होती है तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये इस निडल को या तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रोटेट करवाएंगे या फिर राइट हैंड साइड के अंदर रोटेट करवा देंगे। अगर ये जाता है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो कंपाउंड होगा हमारा लिवो रोटेटरी, क्लियर। अगर ये जाता है राइट हैंड साइड के अंदर तो कंपाउंड हमारा होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यानी अगर लेफ्ट साइड में रोटेट करता है तो कंपाउंड कैसा होगा, लिवो रोटेटरी, और सिंपली हम इसे क्या कह देते हैं, लिवो कंपाउंड। और अगर ये जाता है राइट हैंड साइड की साइड, राइट साइड में रोटेट कर जाता है तो कैसा कंपाउंड होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और सिंपली हम इसे क्या कह देते हैं, डेक्स्ट्रो कंपाउंड। अब ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं वो होते हैं काइरल कंपाउंड्स। काइरल एक वर्ड है जो इसी के लिए यूज़ किया गया है, सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दिखाने के लिए। तो और ये जो पूरा फिनोमिना होता है इसे जाना जाता है काइरलिटी के नाम से। अब देखिए, काइरल कंपाउंड क्या होते हैं, ये सिंपल कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेंगे, यानी लाइट का इनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान लो कोई कंपाउंड है, जैसे हम अपने हैंड्स को ही कंसिडर करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इस तरीके से दो हाथ प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये एक कंपाउंड है और ये इसकी मिरर इमेज है। हम मिरर इमेज के बारे में बात करेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगी। अगर मैं इसे उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज करवाती हूँ तो क्या ये कंप्लीट सुपर इम्पोज शो कर रहा है? फिंगर्स तो मे बी एक दूसरे को कवर कर भी ले, लेकिन थंब तो बाहर रह गए दोनों साइड में, ये तो कवर अप नहीं हुए, यानी ये कंप्लीटली एक दूसरे को ढक नहीं पा रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बना रहे हैं जो एक दूसरे को अच्छी तरीके से कवर अप नहीं कर पा रही है। दो टाइप की इमेजेस होती हैं, सुपर इम्पॉसिबल और नॉन सुपर इम्पॉसिबल। जैसे देखिए, एक लेटर ले लिया मैंने ए, ठीक है, यहाँ पर मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे, ये मिरर कंसीडर कर लेते हैं। इसकी जो मिरर के अंदर आप इमेज देखेंगे तो वो भी कैसी आएगी, सेम ऐसी ही आएगी जैसी यहाँ पे बनाई हुई है। अगर मैं इसे उठा के एज इट इज और इसके ऊपर रख देती हूँ तो एक दूसरे को अच्छे से कवर कर लेंगे, यानी जो ये इमेज है ये कैसी है, सुपर इम्पॉसिबल, सुपर इम्पॉसिबल है, यानी एक दूसरे को अच्छे से ये कवर कर लेंगे। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्लियर। अब ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा, देखिए ज्यादा ही लंबा बना दिया, देखिए एक लेटर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिरर इमेज बनाई और जस्ट इसकी जो मिरर इमेज है वो कैसी बनेगी, इस तरीके से बनेगी, क्लियर। अगर मैं इसे उठा के एज इट इज इसके ऊपर रखती हूँ तो क्या एक दूसरे को कवर कर पाएंगे, नहीं करेंगे। ये जो पार्ट है ये तो यहाँ आ जाएगा और ये वाला पोर्शन इसके इस साइड आएगा, ठीक है, और इस वजह से ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कैसी मिरर इमेज बनी, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, मिरर इमेज। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। ये आपको एक एग्जांपल बताया गया है। सेम चीज अब हम कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर देखेंगे कि वो सुपर इम्पॉसिबल है या फिर सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये वाली चीज़ आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लें यहीं पर, आगे दो तीन जगह और भी यूज़ में आने वाली है क्योंकि ये, तो आप यहाँ पे देख लें, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ये एग्जांपल जो सुपर इम्पॉसिबल का मतलब क्या है, अगर एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, एक दूसरे को कवर कर रहे हैं अच्छे से तो सुपर इम्पॉसिबल है, अगर एक दूसरे को अच्छे से कवर नहीं कर रहे हैं तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज जो होती है सिर्फ वो ही ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगी और जो सुपर इम्पॉसिबल होती है वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेंगी, क्लियर। मैं एक बार बोर्ड को रब कर देती हूँ, देन उसके बाद हम एग्जांपल्स करना शुरू करेंगे इसी के। अब देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल लिखे हैं, मैंने तीन एग्जांपल लिए हुए हैं। फर्स्ट है एम ए ए होल थ्राइस, यानी एक ऐसा लिगेंड लेंगे जो बाइडेंटेट होगा, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड ले रखा है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेके चलेंगे, जब भी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे तो कभी भी स्क्वायर प्लेनर नहीं लेना है, हमेशा कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। तो यहाँ पर देखिए ऑक्टाहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री बना रखी है। अब इसकी सिर्फ हमें ये चीज़ देखनी है, सबसे पहली बात तो है कि आपको बनाना आना चाहिए। तो जैसे एक कंपाउंड बनाया हमने, कोबाल्ट EN होल फाइस है, तो कोबाल्ट ले लिया, सिक्स बॉन्ड्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, बाइडेंटेट लिगेंड है तो दो बॉन्ड एक लिगेंड से अटैच है, ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एक लिगेंड दो बॉन्ड बना रहा है। तो इसने ये बना दिया, इसकी सुपर सॉरी इसकी मिरर इमेज जब बनाएंगे आप तो ऐसी बनेगी, ये वाला पोर्शन इसी साइड आता है और ये जो अवे फ्रॉम मिरर रहता है अवे फ्रॉम ही दिखाई देंगे यहाँ पे, तो इस तरीके से प्रेजेंट है। अगर मैं इसे उठाकर इसके ऊपर रखती हूँ तो क्या ये सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे को, नहीं करेंगे, है ना। तो ये किस टाइप की इमेज हो गई, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, यानी ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, एम ए ए होल टू बी टू, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सी ओ सी एल टू ई एन होल टू, और ये हमने एग्जांपल लिया है सेम टाइप का कि बी जो लिगेंड है ये दो बार लिया हुआ है, तो सी एल टू बी लिगेंड कंसिडर कर रखा है और ए ए होल टू एक बाइडेंटेट लिगेंड है जो दो बार ले रखा है, तो ई एन बाइडेंटेट है और इसे दो बार लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर बनाई मैंने। अब यहाँ पर कंफर्मेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऑक्टाहेड्रल है और उसकी इस पोजिशन के ऊपर सेम टाइप के अगर लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तो वो कौन सी कंपोजिशन होती है, ट्रांस होती है, कौन
कौन सी रहती है? ट्रांस। और अगर इनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट रहते हैं, जैसे यहाँ पे सीएल है और यहाँ पर ईएन प्रेजेंट है, तो एक कैसी कंफर्मेशन है? सिस कंफर्मेशन। ये तो हम पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रिकल के अंदर। अब अगर मैं इसे उठाकर इसके ऊपर रखती हूँ, तो एक दूसरे को तो सुपर इम्पोज कर देंगे, बिल्कुल सेम टू सेम ही तो है दोनों के दोनों। तो इसका मतलब कैसा है, कैसी मिरर इमेज बनेगी यहाँ पे? सुपर इम्पॉजिबल, सुपर इम्पॉजिबल मिरर इमेज। और अगर सुपर इम्पॉजिबल मिरर इमेज बन रही है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली कैसा रहेगा? इनएक्टिव। ऑप्टिकली कैसा रहेगा? इनएक्टिव नेचर का होगा, यानी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को ये शो नहीं कर सकता। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि ट्रांस कंपाउंड कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगी। ओके, तो अब ये चीज एक बेनिफिट है आप लोगों के लिए कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में अगर ट्रांस कंपाउंड है तो वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब देखिए, ये सिस कंफर्मेशन है, अगर इसे उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे? नहीं करेंगे। यानी कैसी मिरर इमेज है? नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली कैसा रहेगा? ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। क्लियर? तो सिस जो कंफर्मेशन होती है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव रहेगी, जबकि ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगी। ये लास्ट एग्जाम्पल है MAA B2 C2। तीन तरीके के लिगेंड ले रखे हैं, एक तो बाइलेंटेट है और दो लिगेंड एक जैसे हैं और दो लिगेंड एक जैसे हैं। ऑक्टाहेड्रली कंपाउंड बनेगा, तो यहाँ पर देखिए मैंने बना रखा है ऑलरेडी। अब इसकी जब मिरर इमेज बनाई गई तो वो कैसी बनी, ये देखिए यहाँ पे बना रखी है भाई। दो सेम टाइप के लिगेंड हैं, दो सेम टाइप के हैं और एक बाइडेंटेट है, तो सेम यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन ये कंपाउंड कैसा है? अब हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि अगर ट्रांस कंफर्मेशन बनाएंगे तो वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहनी है। तो ट्रांस मैंने बनाई नहीं, डायरेक्ट कौन सी कंफर्मेशन बना रखी है यहाँ पर? सिस कंफर्मेशन बना रखी है ना। यहाँ पे सीएल है तो यहाँ पे NH3 है। अब अगर मैं इसे उठा के इसे रखती हूँ तो क्या ये सुपर इम्पोज करेगा? नहीं करेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है, जो मिरर इमेज है वो कैसी बनेगी? नॉन सुपर इम्पॉजिबल। और अगर नॉन सुपर इम्पॉजिबल है तो ऑप्टिकली कैसा रहेगा ये कंपाउंड? ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। क्लियर? तो ये जो एग्जांपल्स हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं, इन्हें ड्रॉ करके बार बार देखें, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएंगे। और जितनी स्पीड से आते हैं उतनी स्पीड से हमारे माइंड से रब भी हो जाते हैं, तो आपको ये बार बार प्रैक्टिस करके देखने पड़ेंगे, तभी जाके आपके दिमाग में बैठेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी यूज़ में आने वाला है, तो आप इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, तैयार कर लें। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ छोड़ के जा रही हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए, ये कॉम्प्लेक्स लिखा है मैंने CO(EN)O₂ NH₃ Cl। आपको ये कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करके मुझे ये बताना है कि इज इट ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी, जैसे ये मिरर इमेज बना के हम डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं, ये प्लॉट कीजिए। और अगर इनएक्टिव है तो आप नील लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे ज़रूर भेजिएगा।